चौहान और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। योगी ने दिया बयान, बीजेपी की सरकार बनी तो हैदराबाद छोड़कर भागेंगे ओबीसी। कांग्रेस पर राम मंदिर बनाने की राह में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो ओबीसी को ठीक वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजाम को हैदराबाद छोड़कर भागना पड़ा था। सिद्धू ने फिर साधा पीएम पर निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को दिए 4 गांधी और बीजेपी ने 3 मोदी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू कोटा में पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे। कानपुर आईआईटी के 2 छात्रों को फेसबुक ने दिया 1,42,00,000 का पैकेज, वहीं गूगल ने 3 लोगों को 1,1,00,000 का दिया पैकेज। आईआईटी कानपुर में 1 दिसंबर से प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। इसमें विभिन्न कंपनियां कैंपस में आकर प्रतिभा का आंकलन कर रही हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जॉब का ऑफर कर रही हैं। सोनाली बिंद्रे भारत लौटी, चेहरे पर दिखी अपने देश वापस आने की मुस्कान। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनाली बिंद्रे भारत वापस आ गई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सोनाली 3 दिसंबर की सुबह स्पॉट की गई। इस मौके पर उनके साथ उनके पति गोल्डी बहल भी थे। वे पिछले कुछ महीनों से न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रही थी। प्रियंका चोपड़ा की मां ने किया खुलासा, बताया किस वजह से नहीं छपे थे शादी के कार्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने बताया कि शादी का कार्ड प्रिंट नहीं किया गया था क्योंकि इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए प्रियंका की शादी के कार्ड किसी को भी नहीं दिए गए। उन्होंने बताया कि शादी में कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज विशेष। देश विदेश और अपने राज्य से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर न्यूज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। न्यूज विशेष ब्यूरो।